मैं मर दूं या मैं घर का आदमी हूं, मैं किचन में नहीं आऊंगा। Planting few of these herbs, you can say mint है ये हमारे left में, in between ये हमारी थोड़ी मेथी है जो अभी बहुत अच्छे से freshly organic मेथी, और ये धनिया है। ये आपको लग नहीं रहा होगा, but देखिए आप पत्तियां जो है ना फट गई हैं ये, तो अब ये धनिया बन रहा है proper, तो ये उग रहा है। और ये सब दही के डब्बों में हुआ है। Yes, तो जितना हम खाते हैं उतना हम उगाते हैं। तो ये दही के डब्बों में हमने, और यस ये तो दिखाना भूल ही गए, दिस इज एपिक थिंग। ये गाइस ये सैलड लीव्स है, लेटिस है जो मैंने ग्लास में, अब ये पानी में उग रहा है, एंड इट वाज एक्चुअली लाइक दिस बिफोर। ये हमारा कल हमने रात में लगाया है, तो आप देख रहे होगे बीच का पार्ट अभी शूट हो गया है, थोड़ा सा ये निकल रहा है, एंड ये देखिए कितना अच्छे से ग्रो हो गया है, एंड ये थोड़ा सा है, तो यस yes, और छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्लांट्स। इसमें कॉफी बना दे, ये तो बहुत इजी है, सिर्फ पानी तो डालना है। रियली? हाँ, तुम लोग की वैसे भी हर एक चीज बहुत इजी होती है, सिर्फ पानी तो डालना है। लुक गाइस, क्योंकि ये नहीं बना सकते, हमारी चाय बनाना बहुत डिफिकल्ट है, हमारे लिए हर चीज बहुत इजी है, क्यों आप क्यों नहीं बना सकते? मैं मर दूं ना इसलिए। जोक्स अपार्ट, नहीं हमारे में ऐसा कुछ नहीं होता, हम दोनों एक दूसरे के लिए चाय कॉफी दोनों बनाते हैं। हम जस्ट, ये एक नया टॉपिक है जो हम लेके आ रहे हैं कि मैं मर दूं या मैं घर का आदमी हूं, मैं किचन में नहीं आऊंगा, मैं काम नहीं कर सकता, मैं तो कभी नहीं किया ये काम, ये होता है मैंने तो कभी काम नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूँ काम, ये जनरली एक ना स्टेटमेंट्स होते हैं जो बोले जाते हैं। तो The next topic which we have started, it's on this. So again, guys, chai hai to bana lijiye, nahi bani hai to please get a chai and coffee and let's talk on this hot topic. Aur for a change, hum terrace pe ja rahe hain, wahan jaake baat karenge, maybe thodi fresh air, kyunki niche to zyada nahi hai, niche hum jana bahut avoid kar rahe hain, to why not terrace? Chaliye to shuru karte hain next topic jo ki hai, हम मर्द हैं, हमसे किचन का काम नहीं। मेरे ख्याल से इस चीज़ के अंदर ये ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। तो या गाइस, बेसिकली किससे होता है, एक बात बोलूँ, कौन सीख करके आया, एवरीबडी ट्राइड एवरीथिंग एंड फाइनली लाइक नो दे आर गेटिंग सक्सेस। किस कहीं लिखा नहीं है ना कि ब्लैक एंड वाइट में कि ओके किचन ये तो लेडीज का डिपार्टमेंट, ऑफिस। अब जब सब मिल बांट के कर रहे हैं, अगेन इट्स नॉट नथिंग टू ऑफेंड समबडी, किसी को भी हमें ऐसा नहीं बताना कि डिपेंड्स फैमिली टू फैमिली व्हाट वी आर एक्चुअली लाइक नो, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ें हम उसी पे ही बोल रहे हैं। तो अगर लड़कियां या लेडीज़ जो हैं, जब वो कंधे से कंधा मिला करके दे आर गोइंग टू ऑफिस, दे आर वर्किंग 9 to 5, वो जॉब कर सकती हैं, तो वाई नॉट अ गाय कैन हेल्प इन द किचन। एंड और अगर आपको पता हो तो दुनिया के वर्ल्ड फेमस शेफ बहुत सारे जो हैं वो लड़के ही हैं, तो वो भी कुकिंग ही कर रहे हैं वहाँ पे। एंड एक्चुअली ट्रस्ट मी गाइस, आई कुक, ओके आई एक्सपेरिमेंट, बट एक्चुअली जो ना जब टेस्ट, जब मोहित कुक्स ना, एंड आई बीइंग अ लेडी एंड नो आई एम स्टेइंग हियर फॉर मोर देन 1.5 ईयर, मेरे को मोहित के हाथ की चाय बहुत पसंद है। तो फिर हम बस ये कहना चाहते हैं कि गाइस, अगर लड़के आदमी ओके, अगर आप हेल्प करा दो, कुछ नहीं जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अगर आप अपने टेबल से उठ के एक चाय बना दो लड़की के लिए, या आप ये सोचो, इजी सोचो, सोचो आपकी बीवी नहीं है वो, या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो, या आपकी मॉम है, आपकी मॉम अगर आपको बुलाएंगी कि बेटा आ जा एक बार किचन में मेरी हेल्प करा दे, क्या कहते हो, दौड़ के जाएंगे? I don't think so, कोई भी लड़का मना करेगा? कोई भी नहीं मना करेगा। प्लीज गाइस, लॉकडाउन है, सबको पता है,
काम बढ़ चुका है, एवरीबडी स्ट्रगलिंग, नॉट इवन अगर आप बोलो ना कि सिर्फ मर्द लाइक आदमियों के लिए काम बंद हो गया है, आदमी लोग घर पे बैठे हैं, दे आर गेटिंग स्ट्रेस्ड. ट्रस्ट मी गाइज, मोर ओवर मैं जैसे देखती हूँ मेरी फ्रेंड्स लोगों से बात होती है, रिलेटिव्स में बात होती है, सो नॉट ओनली गाइज बट इवन फीमेल लाइक नो लेडीज आर ऑल्सो गेटिंग स्ट्रेस बिकॉज काम का लोड बढ़ गया है, कपड़े डबल हो गए, बर्तन डबल हो गए, खाना डबल हो गया, ट्रिपल हो गया. हम मैं खुद चाय अब दो तीन बार पीती हूँ घर पर क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम हम लोग बातें करते हैं, व्लॉग फोर्स बना रहे हैं, अपनी बातों बातों में चाय हो रही है, कॉफ़ी हो रही है. एंड अगर आपको काम नहीं करना आता, अगर आप नहीं आपको आता है, फर्स्ट ट्राई, इवन इफ़ यू कांट ट्राई, लाइक कोई एक वे आउट निकालिए. जैसे ना इवन आई विल टेल यू वन एग्जांपल, मोहित कॉफ़ी बहुत पीता है एंड दैट टू ब्लैक कॉफ़ी. सो क्या होता है कि बार बार मग्स होते हैं और बहुत सारे मग्स हो जाते थे एंड हमारे बीच में कोई बैरियर नहीं है कि कौन क्या काम करे, क्या चीज़ करे. वी बोथ वर्क इक्वली एट होम, आउटसाइड होम ऑफकोर्स, हम कार भी साथ साफ करते हैं साथ में, हर चीज़ साथ में हम करते हैं कि इवन हमने गमले भी साथ में लगाए जो आपने अभी हमारे देखे हैं, हमारा न्यू हॉबीज. तो इन्होंने ना मग एक ही बना लिया और वो मग सुबह से लेकर के शाम तक धुलता नहीं है, तो उससे क्या होता है हमारे यूटेंसिल्स ना मिनिमाइज हो गए. सो दैट्स ऑल्सो हेल्प टू योर लाइक नो पार्टनर, टू योर मॉम. सो गाइज हु ऑल आर वॉचिंग, हेल्प योर सिस्टर्स, हेल्प योर वाइफ, हेल्प योर मॉम एंड फाइंड आउट अ वे. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, उनका भी काम डबल ट्रिपल, जैसे इसने कहा कि काम डबल ट्रिपल हो गया, प्लस उनको कोई हेल्पर नहीं है, आ रहा कोई भी हेल्पर नहीं आ रहा. तो आप खुद देखो कहाँ आप, अगर आप बिल्कुल नहीं करते हो, जैसे थोड़े लोग होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं करते हो, आप वो फिगर आउट करो कि आप कर क्या सकते हो. आप एक तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आप घर पर झाड़ू नहीं मार सकते या वैक्यूम क्लीनर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बर्तन नहीं कर सकते, सब्जियाँ काट दो, खाना बना दो. मेरे को रोटी नहीं बनानी आती, मैं हर चीज़ बना सकता, मैं रोटी नहीं बना सकता, ये नक्शे बनते हैं हमेशा. पिछले 7 साल से घर से बाहर हूँ बट तभी भी आज तक रोटी नहीं बना सकता. सब्जी बना लेते हैं, खाना बना देते हैं, यूटेंसिल्स में हेल्प कर सकते हैं. हम लोग अभी साथ में लॉकडाउन है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब ये पढ़ दी होती है उस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, अगर तब तक ब्रेकफास्ट नहीं बना होता, कभी कभार मैं उस टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो ये ब्रेकफास्ट बना देती है. ब्रेकफास्ट में है क्या, अंडे, पराठे, ओट्स. हम तो ज़्यादातर या तो एग्स खा रहे होते हैं या ओट्स खा रहे होते हैं. हमारे यहाँ पे पराठे वराठे बहुत कम बनते हैं, पर प्लीज़ अब प्लीज़ थोड़ा सा वो चीज़ कर लो कि बार बार जो होता है ना, जैसे हमारे पहले चार बार खाना बनता था, कोई बात नहीं, कैसरोल में खाना, रोटी बनाओ और सब साथ में मिलकर खाओ. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एंजॉय ट्रूली एंड विद योर फैमिली मेम्बर्स, विद योर लव्ड वंस. तो थोड़े से ना सारी चीज़ें साइड कर दो, जस्ट ना एक वो फैक्टर ले आओ कि हम एक हैं और हमें एक बन के रहना है, एज अ कंट्री भी एंड एज अ फैमिली भी, तो एक बन के रहो. और इन्जॉयमेंट से याद आया गाइस, प्लीज़ साथ में मिलके, मतलब ये नहीं है कि अपने अपने रूम पे बैठ के अपने अपने फ़ोन लेके, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है स्मार्टफोन्स. आज स्मार्टफोन्स आर गुड और बैड, प्लीज़ कमेंट अस, बताइए क्या आपका ओपिनियन है इस बारे में, स्मार्टफोन्स आर गुड और बैड. हम सोचते हैं किसी भी चीज़ का एक्सेस इज़ बैड, मिसयूज इज़ बैड. स्मार्टफोन्स बनाए जाए गए हैं कि हर चीज़ इजी हो जाए ह्यूमन बीइंग के लिए, जैसे कि इंटरनेट पे से कुछ सर्च करना, आपको पढ़ाई से लेके कुछ, सोशल नेटवर्किंग इज़ नॉट बैड, नथिंग इज़ बैड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. टाइम मिला है लॉकडाउन का, प्लीज़ अपने अपने रूम पे बैठ के फ़ोन के साथ मूवियाँ मत देखिए, अपने फैमिली के साथ बैठिए. जैसे कभी कभार हम दोनों होता है, हम साथ में बैठ जाते हैं. तो अपनी फैमिली को नॉलेज दीजिए, बहुत चीज़ें आपको आती हैं बट एक बार बात करिए अपनी मम्मी से जा करके, अपने पापा से जा करके, अ लॉट ऑफ थिंग्स दे मस्ट बी लैकिंग रिगार्डिंग ऑल दिस सोशल मीडिया. जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है, सब्सक्राइब कैसे करते हैं, लाइक कैसे करते हैं, हमारा जैसा व्लॉग है अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ टीच योर मॉम दैट, लाइक कैसे करना है, सब्सक्राइब कैसे करना है, शेयर कैसे करना है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप ऑनलाइन कैसे आप देख सकते हो, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ न्यूज़ देख रहे हैं जो टीवी पे आती है, तो हम ये नहीं जानते कि ऑनलाइन क्या हो रहा है, असली चीज़ क्या है. हम सिर्फ ना सनसनी खेज चीज़ें देख रहे हैं जो कि
रियलिटी मैं नहीं कहूँगी कि पूरी गलत है बट उसमें कुछ कुछ मसाला मिर्ची है. तो गाइस जस्ट गेट द फैक्ट्स क्लियर एंड उन लोग को भी सिखाइए, खुद भी सीखिए एंड टाइम स्पेंड करिए साथ में कुछ अच्छा सा. बहुत सारी 5 मिनट्स 2 मिनट्स चीज़ें होती हैं, नूडल्स बनाइए या केक बनाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, एंजॉय करिए, थोड़ा सा टाइम मिला बातें करिए. टाइम मिला है उसको यूज़ करिए. ये टाइम जैसे मेरे ख्याल से जैसे लॉकडाउन खत्म होगा ना, सारे ऑफिसेस सब के सब एकदम से लगेंगे क्योंकि बहुत लॉस हो रहा है, तो सब अपने काम पे लगेंगे. तब मे भी आप टाइम रिग्रेट करोगे यार अभी टाइम था, काश बात कर लेते. मे भी आपकी मॉम आपकी वाइफ बहुत टाइम से वेट कर रही होगी आपका के कब बात कर पाओ, कुछ उनके दिमाग में दिल में हो कि वो बात करना चाहते बट नहीं कर पा रही क्योंकि सुबह से शाम तक आप ऑफिस में होते हो, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे होते हो, उसके बाद आपको अपने दोस्तों से भी बात करनी है, फिर वो भी काम भी कर रहे हैं ना यार. प्लीज और घर पे भी अगर वो होती है तो वो खाली नहीं होती, वो भी काम कर रही होती है. हाउस होल्ड मैं आई वॉज लाइक नो इंडिपेंडेंट वुमन वर्किंग बट अब मेरे को पता है जब घर आप संभालते हो आप खाली नहीं होते. अब मुझे अपनी मम्मी के दिन भी याद आ रहे हैं कि यस माई मदर इन लॉ माई मॉम कि जो घर पे होती है ना लेडीज वो खाली नहीं. और अब सारे हस्बैंड समझ रहे होंगे कि जो बोलते थे ना कि तुमने किया ही क्या, तुम घर पे ही तो थी, घर पे ही तो हो, तुम कर क्या रही हो सुबह से. तो यस नाउ एवरीथिंग विल बी क्लियर इन देयर हेड एंड बातें करके गाइस, क्योंकि बातों से ही ना चीज़ें सॉल्व होती हैं. आधी से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे रिलेशन में या हमारे घर में ना मम्मी पापा या कपल्स के बीच में होती हैं या भाई बहन के बीच में भी होती है, आई एम नॉट ओनली पॉइंटिंग टूवर्ड्स कपल्स, भाई बहन के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं ना वो इसलिए होती हैं क्योंकि आप पूरे दिन अपनी चीज़ों में होते हो, चाहे दोस्त चाहे गेम्स चाहे अपना ऑफिस, कुछ भी हो, सो रहे हो कुछ भी कर रहे हो, माय हेयर मैन. और मे बी उसको वीडियो बना के हमको एज अ प्रैंक अपने भाई बहन पे हमको कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पे भेजिए, हमें बहुत पसंद है प्रैंक्स. हमने सोचे नहीं अभी तक बट देखते बहुत है. क्या बात कर रही थी, he just interrupted my thing. मैं बाल बस सही करने लग गई तो इसने पूरे मुंह इतने ना सारी चीजों को. मैं बोल रही थी yes कि guys बात करिए because there are lot of things क्या होता है ना, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं क्योंकि जब 2 या 3 दिन का जो दिल में दिमाग में भरा हुआ होता है ना वो जब निकलता है तो लड़ाइयाँ होती हैं. कभी आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में कभी लड़ाई नहीं होती, जब क्या होता है ना कि आपने बात ही नहीं करी 2 दिन हो गए 3 दिन 4 दिन हो गए क्योंकि आप भी बिजी हैं अपने किचन में एज अ लेडी और हस्बैंड्स बिजी हैं ऑफिस में या फिर अभी वर्क फ्रॉम होम, बात करने का टाइम नहीं मिल रहा. तो क्या होता है ना आपके अंदर अगर कोई बात होती है, ज़रूरी नहीं घर से रिलेटेड, बाहर से भी रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड, कुछ भी आसपास चल रहा है या फ्रस्ट्रेटेड ही हो आप क्योंकि घर पे बैठे हो इतने टाइम से, चीज़ों से फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप कहाँ निकालोगे? ऑफकोर्स अपने पार्टनर से बात करोगे, अपने भाई बहन से बात करोगे जिससे आप कंफर्टेबल हो, बेसिकली आप उससे बात करते हो. जब वो नहीं निकलता ना गाइस 1 या 2 दिन 3 दिन फिर वो सब कुछ सब बाहर निकलता है तो होती है कॉन्फ्लिक्ट्स. तो अवॉइड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स, टॉक टू देम डेली, गिव लाइक नो एटलीस्ट 1 or 2 hours टू योर फैमिली टू योर लव्ड वंस टू योर पार्टनर. डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी यही होता है. सो नॉट ओनली पीपल हु आर टुगेदर, आई विल ऑल्सो स्पीक रिगार्ड्स टू जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, समय निकालिए बात करिए एक दूसरे से. मतलब अगर आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो भी बात क्लियर करिए, बट करिए बात करिए, डोंट अवॉइड. वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाता है, वही लड़ाई लाता है और वही डिस्टेंस को एक गैप में बदल देता है. डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आर नॉट बैड, द गैप बिटवीन डिस्टेंस रिलेशनशिप इज बैड. हम भी तो डिस्टेंस में रहे थे 5 साल. एंड अब देखिए साथ एक दूसरे की जान खा रहे हैं हम दोनों. गाइस प्लीज कमेंट शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Enjoy watching. If you are enjoying watching our videos, तो वो बेल आइकन जो है ना साइड में उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको और अपडेट्स मिले और वीडियोज आप देखें. और वी विल बी कमिंग फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज मोर, जो ये क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, बिकॉज ये एंड नहीं है, ये तो हमने बस 4-5 जो हमारे ना नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे हमने जस्ट पेन डाउन किए एंड वी थॉट आंसरिंग इट रैंडमली. हमने सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट आउट किए, एक पेपर में लिख दिए और उसके आंसर्स हमने जस्ट रैंडमली हम लोग बात कर रहे हैं और आपके सामने शेयर कर रहे हैं. तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन आंसर्स के राउंड के साथ आएंगे. इफ यू हैव सम क्वेश्चन इन योर हेड प्लीज डोंट लाइक नो हेजिटेट टू कमेंट अस बिलो एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट ऑन आवर नेक्स्ट व्लॉग एंड द नेक्स्ट पार्ट. सो स्टे ट्यून्ड, सी या. बाय.
ये हमारी टेरेस जो थोड़ी सी मेस अप है, बिकॉज यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं है हमारे इलाके, हमें टेरेस बहुत पसंद है। Hi guys, after the vlog video, चले चलते हैं। चले, okay, सामने का व्यू। थोड़ी सी आवाज़ हो सकती है क्योंकि एसी के यहीं पे लगे हुए हैं सारे। So that's view from our terrace. Okay, bye. Say bye. Bye. Take care.